हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं इनक्यूबेटर रिसर्च चैनल, जिसमें मैंने जो हैचरी से सीखा है वही आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, हाजिर हुआ हूं एक और वीडियो लेकर के एक और जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर जो रीडिंग शो कर रहा है, क्या हकीकत में इनक्यूबेटर के अंदर उतना ही टेम्परेचर बन रहा है। क्योंकि ये सभी लोगों को पता नहीं होता है कि टेम्परेचर कंट्रोलर में काफ़ी डिफरेंस होता है, और जो हम थर्मो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और यही वजह है कि ज़्यादातर टेम्परेचर कंट्रोलर में डिफरेंस निकालने का सिस्टम भी दिया हुआ होता है। तो इस तरह से इनक्यूबेटर का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि अंडे के अंदर चूजे तो बन जाते हैं लेकिन वो बन करके भी उनकी मौत हो जाती है, यानी कि अंडे खराब हो जाते हैं। आज के वीडियो में जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आप इस तरीका से टेम्परेचर कंट्रोलर का या थर्मोमीटर की कमियों को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीनरी लर्निंग सिस्टम के। आपके इनक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर बन रहा है, क्या आपका कंट्रोलर सही बता रहा है, थर्मामीटर सही बता रहा है या गलत बता रहा है, आप एक ही नज़र में उसको पकड़ सकते हैं। अब आप जैसा कि इस इनक्यूबेटर में देख रहे हैं, इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वह रीडिंग कम शो कर रहा है, और जो अंदर थर्मामीटर रखा हुआ है वह रीडिंग ज़्यादा शो कर रहा है, और इनक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर कम या ज़्यादा दोनों ही अंडे को ख़राब कर सकते हैं। और एक बात आपको और बता दूं, ये जो मिनी डिस्प्ले वाला थर्मामीटर है, आपको इनक्यूबेटर के लिए इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, अगर आपको इनक्यूबेटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो, क्योंकि ये ना ही टेम्परेचर सही बताता है और ना ही ह्यूमिडिटी सही बताता है। आपको 10 पीस अगर इकट्ठा करके रख लेंगे तो भी ये 10 तरह का टेम्परेचर बताएगा, यानी कि सभी में अलग अलग रीडिंग बताएगा। यह एक डेमो थर्मामीटर है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं इनक्यूबेटर के हीट के बारे में। जब आप इनक्यूबेटर में अंडे को रखते हैं, चाहे वो मुर्गी के हों, बतख के हों, बटेर के हों या फिर कोई अदर बर्ड के हों, तो सभी तरह के अंडों से चूजे निकलने का एक समय फिक्स होता है। जैसे बटेर के अंडे से चूजे निकलने का समय होता है 2 हफ्ते, और मुर्गी के अंडे से चूजे निकलने का समय होता है 3 हफ्ते, और बतख के अंडे से चूजे निकलने का समय होता है 4 हफ्ते। अगर इससे पहले या बाद में चूजे निकलते हैं तो ये टेम्परेचर की कम ज़्यादा की वजह से होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि आपने इनक्यूबेटर में रखे हैं मुर्गी के अंडे। अब मुर्गी के अंडे से चूजे निकलने का समय होता है 20 से 21 दिन, और आपके इनक्यूबेटर में 18 दिन से ही चूजे निकलना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके इनक्यूबेटर में टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये भी सुन लीजिए। अगर आपके इनक्यूबेटर में टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है तो अंडे के अंदर जो चूजा बन रहा है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और हैच होने से पहले ही वो बीच में ही दम तोड़ देगा, और जो बच जाएंगे वो 18 से 19 दिन में ही अंडे से बाहर निकल आएंगे। और दोस्तों, यही प्रॉब्लम होती है जब टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है, यानी टेम्परेचर लो होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें चूजा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और आपको 21 दिन के बाद 22 या 23 दिन में चूजा निकलता है, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें भी ज़्यादातर चूजे बीच में ही दम तोड़ देते हैं और कुछ ही निकल पाते हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इनक्यूबेटर का टेम्परेचर जो है वो एकदम परफेक्ट चल रहा है या फिर कम ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि कंट्रोलर जो होता है और थर्मोमीटर जो होता है इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता ही होता है, ये तो पक्की बात है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।